ओके जय हिंद स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने देखा था मैं एक एडमिशन वीडियो अपलोड किया था आपको थोड़ा रिवीजन कराने के लिए, और हम लोगों ने डेरिवेशन तो कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद कुछ और भी टाइप्स के न्यूमेरिकल देखे गए थे। ओके तो ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस वीडियो है, बेसिकली इसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपका जो पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है वो है ग्राफ एनालिसिस, उसके जुड़े मैं जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं बता दूंगा और रेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ग्राफ से जुड़े आपके न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं और ग्राफ से जुड़े आपके न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग भी होंगे। ओके ग्राफ का जब आइडिया आपको होगा तो उससे डेरिवेशन करने का भी आपको तरीका अच्छे से पता होगा। ओके तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके सी तो मैं एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए लेकिन मैं पहले से लिख लिए, मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े एक्चुअली, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी निगेटिव। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और बता दूँ, ये जो पहला क्वेश्चन है ये मोर देन वन करेक्ट है, या बस ये मोर देन वन करेक्ट है, मतलब कि दिस इज मोर देन वन करेक्ट। जब भी आप कोई मल्टी एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये बात जान लिया करिए वो मोर देन वन करेक्ट है या नहीं। इससे क्या मतलब, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये और ये दोनों सही हों, या ये तीनों सही हो जाएं, या चारों सही हो जाएं, या फिर ये तीनों सही हो जाएं, या कोई भी दो सही हो, या कोई तीन सही हो कॉम्बिनेशन, तो मतलब एक से ज़्यादा आपके ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो आपको सारे बताने होते हैं सही, मतलब आपको इसमें मतलब ये सही क्वेश्चन सही करने के लिए आपको वो सारे ऑप्शन इसके सही बताने होंगे। ओके जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो मोर देन वन करेक्ट होते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके हालांकि आपके एग्जाम में ऐसे भी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जो कि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन अगर आप एग्जाम देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सीधे ही, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, जैसा मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन से आपका चेंज इन पोजीशन। ओके मतलब इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पोजीशन से आपकी पोजीशन जो चेंज हुई है, और मैंने ये बताया था कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मान लीजिए, लेट्स से मैं एक चीज़ को सॉल्व तो करना है टिक करना है लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर थे, ओके दिस वॉज द स्केल 0 1 2, दिस इज -1, दिस इज -2, ये लिखने का मतलब ये आपने राइट साइड को पॉजिटिव माना है। अगर आप इनिशियली यहाँ पर थे और आप फाइनली यहाँ चले गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है 2 मीटर, या फिर अगर ये मीटर या 2 यूनिट इन पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप 0 पर थे और आप यहाँ पर चले गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -2, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट मीटर मेजर किया जाता है मीटर परसेंट स्क्वायर में, तो ये यूनिट है इसकी, जो भी सही है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखता तो ज़्यादा सही होता, लेकिन फिर भी अगर स्पीड टाइम ग्राफ लिखा है तो हम इसे भी सही कहेंगे। ठीक है तो ये भी आपका सही है, एक्चुअली मैं आपको अभी थोड़ी देर आगे बताऊँगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर इन रियल लाइफ, ऑब्वियसली आप मेजर तो कर ही सकते हैं, नॉर्मली जो आपके एयर रूट्स होते हैं उनमें जो पॉइंट्स होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है अगर आप रोड से जाएंगे तो आपको रास्ते से जाना होगा ऐसे घूम फिर के जैसे जाते हैं, लेकिन अगर आप एयर के रूट से जाएंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके यहाँ एक वर्ड छूट गया है, सो हियर इट इज मोशन, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ये जो आपका स्टेटमेंट होता है ये ऑलवेज ट्रू होता है। देखिए कैसे समझ मैं क्वेश्चन जाता हूँ, मान लीजिए आप ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है आप ऐसे घूम रहे थे, इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी इस तरफ, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो थी इस तरफ, इस पॉइंट पर जो थी वो इस तरफ, इस पॉइंट पर जो थी इस तरफ, आप किसी भी पॉइंट पर देखिए तो आपकी वेलोसिटी लगातार, आपकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है, आपकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वो लगातार चेंज हो, लगातार यहाँ भी यहाँ इस तरफ है, ये मतलब हर वक्त आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब आपका आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, मतलब ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन, तो सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत बेसिक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर डिक्रीज, कैन बी जीरो, कैन बी मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। ओके मैंने आपको जैसे बताया था अगर आपको याद हो तो, डिस्टेंस क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ से आप चलना शुरू किए,
अब मैं जितना इस स्केच से ड्रॉ कर रहा हूँ वो पूरा डिस्टेंस है। अब ड्रॉ करने के बाद मैं किधर इस पॉइंट पे जाऊँ या किधर भी जाऊँ, ये लाइन, ये जो आपको मतलब ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है बट आपको जो ये कर्व लाइन दिख रही है ये बढ़ती ही जाएगी। जो ये बढ़ेगी तो आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा, तो डिस्टेंस घट नहीं सकता। हाँ, डिस्टेंस आपका जो कवर है वो इंक्रीज ना करे, ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है आप रुक जाएं तो आपका जो डिस्टेंस कवर होगा उसके बाद रुक जाएगा। मतलब आप मान लीजिए आपने घर से आप यहाँ शुरू किए, आप बी तक नहीं गए, यहाँ पर रुक गए, तो आपकी डिस्टेंस एक बी की कंपेरिजन कम हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं तो आप डिस्टेंस को अपने घटा नहीं सकते, आप आगे जाएंगे बढ़े, किधर भी जाएंगे तो आपका डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा ही। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जब डिक्रीज नहीं कर सकते तो जीरो से नेगेटिव भी नहीं ला सकते। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, ये भी सही है। वैल्यू डिस्टेंस कैन भी जीरो, रुके रहिए कहीं मत चलिए, डिस्टेंस जीरो ही रहेगा। कैन वी मेजर इन टर्म्स, नहीं ये गलत है, ये गलत है आपका। ओके, अच्छा ये भी मोर देन वन करेक्ट था, सो दिस वॉज ऑल्सो मोर देन वन करेक्ट। ओके, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये देता है एक्सेलरेशन, दिस यू नीड टू नो। ओके, वेट फॉर सम टाइम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी पूरे ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है ये होता है वेलोसिटी। यहाँ देखिए, अगर कुछ नहीं था स्पीड मार्क कर सकते थे, लेकिन जो कि दोनों दे दिया था, हमें वेलोसिटी मार्क करना चाहिए क्योंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपका वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा जो कि वेलोसिटी आएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जगह अगर डिस्टेंस होता तब स्पीड मार्क करते हैं। ओके, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल। सो अ मैन रन्स फॉर वन आवर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर नेक्स्ट वन एंड हाफ आवर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो देखिए सिंपल सा क्या कह रहा है, एक इंसान जो कि एक घंटे के लिए कितनी स्पीड चलता है, 18 किलोमीटर पर, तो मान लेते हैं एक घंटे के लिए चलेगा इतनी, वन आवर के लिए वो कुछ इतने इतना दूर चल रहा है, तो यहाँ तक उसकी टाइम कितना हो गया, वन आवर, और इतने में उसकी स्पीड कितनी रही है, उसकी स्पीड रही है यूनिफॉर्म और वो रही है 18 किलोमीटर पर आवर। और फिर नेक्स्ट वन एंड हाफ आवर के लिए, फिर वन एंड हाफ आवर के लिए और चल रहा है, मान लेते हैं वन एंड हाफ आवर इतना दूर चल रहा है, इसमें उसकी स्पीड रह रही है 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 42 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बेसिकली आपको यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है, तो यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और यहां से टोटल टाइम पता, टोटल टाइम मुझे पता है, देखिए यहां से यहां तक का एक है, यहां से अगर 1.5 तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक का 1.5 आवर। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब दूरी निकालें, दूरी निकालने का क्या तरीका है, देखिए मैं अगर यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट कर लूं और फिर यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट कर लूं तो पूरी मिल जाएगा, पूरी दूरी मिल जाएगी, दोनों ऐड कर लेंगे, तो 18 किलोमीटर से अगर 1 किलोमीटर चलेगा, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर से अगर 1 घंटे तक चलेगा तो कितनी स्पीड कवर करेगा, 18 किलोमीटर। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप क्या करिए, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18 ही आएगा किलोमीटर। यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 42 इंटू 1/2 तो ये आएगा 21 किलोमीटर। आप इसे सॉल्व करिएगा, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम स्पीड, ठीक है। तो ये 18 हुआ, ये 21 हुआ, दोनों को ऐड कर लें तो ये 819213, तो दिस इज 39 किलोमीटर। तो आपने जो टोटल दूरी चली है वो है 39 किलोमीटर, सो दिस इज 39 किलोमीटर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, अगर मैं 10 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, ये 10 डेसिमल कैंसिल कर देगा, 3 5 15
थ्री थर्टीन और ये फाइव टू, तो 13 × 2 = 26 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर. ओके सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो क्वेश्चन इज अ मैन रन्स फॉर 20 मिनट एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर नेक्स्ट 40 मिनट सो दैट एवरेज स्पीड कम्स 24 किलोमीटर पर आवर. ओके अ मैन, तो यहाँ पर सिंपल से ये ऊपर जैसे क्वेश्चन ही है बस, लेकिन अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था, टोटल टाइम निकालना था और रेसिड बताना था. यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड दे दिया है, एवरेज स्पीड इतना होगा और हमें क्या बताना है, हमें एक दूसरे पार्ट का जो मतलब इसमें इसमें दो पार्ट थे ना, एक पहला आपका दूरी यहाँ से यहाँ तक थी और दूसरे पार्ट में यहाँ से यहाँ तक चले गए थे. तो इसमें एक पार्ट का आपको डाटा बताना है, क्या बताना है उसमें, स्पीड बतानी है. ओके तो सिंपल आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें ताकि आपको क्लियर हो आपको करना क्या है. तो देखिए अब मैं रन फॉर 20 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक जो समय लग रहा है वो 20 मिनट लग रहा है. ये यूनिफॉर्म स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर पूछा है कितनी स्पीड से वो चले, तो मैं स्पीड निकल तो मैं मान लेता हूँ इसे वी और ये यूनिफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट. अच्छा यहाँ इतना इसमें समय जो लग रहा है वो है आपका 40 मिनट. ओके अच्छा ये कितना मतलब वी कितना हो ताकि जो एवरेज स्पीड आए, एवरेज स्पीड जो है वो आपकी हो 24 किलोमीटर पर आवर. तो सिंपल एवरेज फॉर्मूला विल बी गो सेम, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज स्पीड हमें दिया हुआ ये है टोटल 24 किलोमीटर पर आवर. ओके सो यहाँ पर हमें जो टोटल टाइम, अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये पोर्शन नहीं पता है, लेकिन हम इसके टर्म्स में निकाल सकते हैं. देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन टाइम, ये फॉर्मूला हमने लगाया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन टू टाइम. तो ये है 18, लेकिन यहाँ पे 20 मत कर दिए क्योंकि 20 मिनट में है, इसमें कन्वर्ट करना होगा आवर में. ये सबसे बड़ी गलती है जो लगभग हर स्टूडेंट करता है एग्जाम में, तो इस सिली मिस्टेक से बचिएगा कि यूनिट आप ध्यान से देखें. तो ये 20 मिनट है, तो ये 20 मिनट नहीं, यहाँ 20 आवर लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 66 डिवाइड कर लेंगे हम. ओके 0 कटा 2 × 3 = 6 तो ये हो गया आपका 6 किलोमीटर, इतनी दूरी है. इतनी दूरी कितनी है, सिंपल इस पर डिस्टेंस इन टाइम, डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस में, अच्छा सॉरी ओके ओके मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, हालांकि मैंने अप्लाई सही किया है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा. ओके 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 या ओके सो दिस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. ओके सॉरी फॉर दिस, यहाँ देखिए क्या हमने लगाया था, स्पीड डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी थी. स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है जो कि मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. कितने समय से 1 किलोमीटर, सो मतलब 18 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, दैट इज 18 किलोमीटर. ओके हालांकि ये भी हमने सही किया है, लेकिन बस मैंने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया था, वही गलती मैंने यहाँ पे भी की है. सो दिस विल बी डिस्टेंस, ओके लेट मी कट इट, डिस्टेंस is equal to speed into time. So this is the formula what we need to apply. हमने यहाँ पे भी सही किया है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला मैंने दोनों जगह गलत लिख दिया था. ओके सॉरी फॉर दैट. सो यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज, अच्छा डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी v, जो कि हमने assume किया हमें v ही निकालना है, डोंट वरी v के टर्म्स पुट कर दें फिर इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ मैं रख रहा हूँ v into टाइम 40 मिनट. अब अगेन देखिए ये जो होगा ये किलोमीटर पर आवर में होगा कि उसमें निकाल लेंगे हम लोग, ये फिर से मिनट होता है, अब फिर से कन्वर्ट कीजिए आवर में, तो 40/60, तो ये कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब 2v/3, ये आया 2v/3. ओके सो डिस्टेंस टोटल कितना, देखिए ये 6 किलोमीटर तो ये है और ये है 2v/3, तो 2v/3 अपॉन टोटल टाइम 40 मिनट और ये 40 + 20 = 60 मिनट, मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो बेसिकली 1 आवर हो गया.
ओके अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 1 आवर है तो चूंकि 1 से डिवाइड करें मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा 24, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2v बाई 3, ये उधर जाएगा माइनस होगा, आई होप आपको इतना क्लियर होगा क्लास 9th में, 24 माइनस 6 18, तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 2v बाई 3। अब ये 3 अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर इधर डिवाइड होगा, तो देखिए ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर आके डिवाइड होता है, तो 2 9 18, 9 3 27, तो वी आ गया हमारा 27 किलोमीटर पर आवर। डेट द आंसर व्हाट वी नीड टू गेट इट फ्रॉम हेयर। ओके सो आई होप क्लियर हुआ होगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 150 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड डिस्टेंस कवर बाय इट इन दिस टाइम। तो सिंपल देखिए, सिंपल ये तो मुझे लगता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे है, आई होप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होंगे, मैं बोल देता हूँ फिर से, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको रात में 2 बजे भी याद होना चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि 2 बजे बाद भूल जाएं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। सो कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 150 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आपको आइडिया क्या फिर क्या हो रहा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है, एक कार है, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये कार एक्सेलरेट करती है 150 मीटर पर सेकेंड, कितने समय के लिए, टाइम इज गिवन एज 1 मिनट। अच्छा नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं है, ये डिस्टेंस बताना है ना, इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, थर्ड पे है शायद, वी दिया है, यू पता है, टी पता है, ओके टी पता है, तो अच्छा ठीक है थर्ड पे भी नहीं, हमें 2 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने होंगे इसमें, ठीक है ओके। सो अच्छा फिर से आप देखिए इसमें क्या मतलब क्या आपसे मतलब कहाँ कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, कन्फ्यूज़ यहाँ किया जा रहा है कि ये दोनों किस में दिया है, मीटर पर सेकंड और ये किस में दिया, मिनट में, तो इसे कन्वर्ट कीजिए पहले सेकंड में, सो दिस विल बी इक्वल टू 60 सेकंड। ओके अब आप एक्सेशन निकाल सकते हैं, चूंकि मुझे डिस्टेंस बतानी है तो मैं पहले एक्सेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि एक्सेशन का यूज़ इसमें भी है इसमें भी है, तो ए निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। कैसे, दो तरीके से आप इस फॉर्मूले तक पहुँच सकते हैं, पहला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, वी माइनस यू अपॉन टी इतना टाइम, दूसरा इसे याद होगा, देखिए इसको इधर लाएंगे तो वी माइनस यू और फिर ए टी से डिवाइड करेंगे, ए निकाल लेंगे तो वी माइनस यू बाई टी। ओके सो व्हाट इज वी, 150, ये आपका वी हुआ, ये आपका यू हुआ, ये टी, और ये आ गया आपका ए, तो ये हो गया 150 माइनस 50 अपॉन टी, ये 60, तो ये हो गया 100 अपॉन 60, तो ये हो गया ओके 10/6, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। अच्छा मैं डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, या थर्ड वाला थोड़ा ट्रिपल होगा, सेकेंड को यूज़ करते हैं, चलिए थर्ड को यूज़ करते हैं, ओके नथिंग टू वरी, तो वी स्क्वायर, अच्छा मैं फिर से लिख ले रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी कितना है 150, तो 150 का स्क्वायर यू स्क्वायर, ये 50 है इसका स्क्वायर, प्लस 2, ए कितना है 5/3, एस ऐसे तुम्हें बताना है डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है, लेकिन ये ज्यूम कर लेंगे कि लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन चल रहा है, जब और जब स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो हमारा डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। सो 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 0 तो 2 बार 0 आएगा, माइनस 50 का स्क्वायर 25 और 0 0, एंड दिस विल इक्वल टू 2 × 5/3। एक्चुअली मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप कोई विजिबल होगा। ओके इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 20,000 या, और इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 3 और नीचे होगा 5 × 2 = 10, ये हो गया आपका s, तो ये कटा 3 × 2 = 6, तो आपका यहाँ से डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस जो कि निकालनी थी 3 × 2 = 6 और 1 2 3
तीन जीरो हैं तो थ्री, और ये आया हमारा मीटर में, मतलब कि 6 किलोमीटर, क्योंकि इसको 1000 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। ओके सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, फिर आपको क्लियर रहेगा। अगर आप खुद सॉल्व करने लगें तो आपको और समझ में आएगा। ओके, कार डी एक्सेलरेटेड फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 2 किलोमीटर पर आवर इन 16 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो फिर से वही देखिए, ये मिनट में दे दिया, ये आवर में दे दिया है, तो आपका जो यू दिया है मतलब बस ये आपका यू है, मतलब आपका जो इनिशियल स्पीड है वो 10 है, तो यू आपका 10 हो गया किलोमीटर पर आवर। वी इज 2 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली जगह नहीं तो मैं फिर से डायग्राम बनाता, बट ठीक है। टी इज गिवन एज 16 मिनट, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं आवर में, तो इसे कर लेते हैं 16/60, 8/30 होगा, नहीं 4 से कट जाएगा, तो 4 4 16 और 15 4 16, या तो दिस इज 4/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी टाइम है, तो 4/15 सेकेंड, और सॉरी नॉट आवर, क्योंकि आवर कन्वर्ट किया है ना, तो इतने आवर 4/15 आवर, जो कि हुआ 16 मिनट। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, लेकिन हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी, इसलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो 2 माइनस 10। अच्छा, अगर 10 माइनस 2 मत करिएगा, क्यों? क्योंकि वो आपका डी एक्सेलरेशन आएगा, ये हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना है ना। देखिए हम कहीं डी एक्सेलरेशन पुट नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू, डी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यू माइनस वी। ओके, सो यहां पर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी इज 4/15, सो ये होगा -8 और 4/15 ऊपर जाएगा तो ये होगा 15 और नीचे आएगा 4, तो ये आएगा 2, तो ये आ गया -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन। सिंपल इसे सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन लिखी ना ये सॉल्व करना है, ए इज इक्वल टू माइनस अपॉन 4/15। ओके, एक मिनट, ये किलोमीटर पर आवर में होगा, सॉरी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर पर आवर में था चेंज, और ये हमारा आवर में था, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये ऐसी गलतियां मत करिएगा। ओके, सो अब डिस्टेंस निकालते हैं, तो चलिए थर्ड लगाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां भी लगाया था, यहां भी वही लगाते हैं। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी कितना है, वी है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 2, ए कितना है, देखिए ए हमारा -30 है ना कि +30, और डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस ओके यही तो निकालना है डिस्टेंस, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और ये माइनस इधर आएगा तो -2 × 30 × डिस्टेंस। अब देखिए 4 − 100 कितना होगा, 4 − 100 होगा आपका -96, और ये माइनस कैंसिल होगा, ये 2 × 30 × डिस्टेंस, ये माइनस कैंसिल, ये हो गया 60। अच्छा ये दोनों इधर आके डिवाइड करेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो 2 × 30। अब फोर से कटेगा ये, वेट अ मिनट, ओके ट्वेल्व 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 8 2 8 16, सो नाउ दिस इज 6 6 8 48 6 5 30, सो डिस्टेंस इज कम एज 6 8 5, एंड दिस इज कम एज किलोमीटर, मतलब कि पॉइंट में आ रहा है आंसर आपका। ओके, सो द डिस्टेंस इज कम एज 8/5 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइकिल एक्सेलरेटेड फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन दिस टाइम। सिंपल, मुझे लगता है तो सेम क्वेश्चन है। ओके, सो मैं कह रहा था कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यू इज गिवन एज 10 किलोमीटर पर आवर, ओके वी इज गिवन एज 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज गिवन एज 2 मिनट, ओके कुछ ज़्यादा कम दे दिया है,
तो 2/60 आवर मतलब कि हो जाएगा 1/30 आवर। ओके सबसे पहले एक कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम लोग ऊपर करते हैं एज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, सो वी 40 - 10/1/30, तो 40 - 10 = 30 और ये 30 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओहो ये साइकिल नहीं होगी क्योंकि इतना साइकिल का नहीं होता, ये एक मिसाइल होगी। ओके सो ओके तो पहले हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल एस्क्वायर ये निकाल लास्ट टेबल लगाते हैं। अच्छा आप चाहे तो सेकंड भी लगा सकते हैं एस्क्वायर ड्यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि हमें अब ये पता है। ठीक है मैं लास्ट लगाता हूँ, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है, v है 40, इसका स्क्वायर 1600, u इज 10, स्क्वायर 100 प्लस 2a इज 900 एंड फाइंड s। तो देखिए इसे 1600 - 100 1500 और ये दोनों आगे डिवाइड करेंगे तो ये 2 × 900 तो ये कटा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 तो 5/6 तो s has come as ये था और यहाँ से s आएगा 5/6 किलोमीटर। इतने समय में 2 मिनट में ये साइकिल जो कि जैसा जैसा कि लिखा हुआ है चल लेगी 5/6 किलोमीटर। ओके सो ये हो गया इससे क्वेश्चन, आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके देख अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 2.5। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये बी ए दिया है और क्या दिया है, एक्सेलरेटेड द मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर हो गया, ओ सॉरी ये एक्सेलरेशन है। ओके तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ट्रेन जो थी वो हमारी रुकी हुई थी, ये हमारी ट्रेन और कुछ ज़्यादा ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 था। ओके अच्छा ये एक्सीलरेट करती है एट द रेट ऑफ, इसका एक्सीलरेशन है ये है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने टाइम के लिए, 2.5 सेकेंड के लिए, और हमसे क्या पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 2.5 सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन मोशन का क्वेश्चन हुआ, या v इज इक्वल टू, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, v इज इक्वल टू u प्लस at, v कितना है, अच्छा मैं v निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, v व्हाट इज u 0, व्हाट इज a 25 एंड व्हाट इज t 2.5, तो 25 × 2.5 = 62.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर आपका। ओके हो सकता है आपको ऐसे इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, रेयर चांस है लेकिन फिर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है सिंपल क्वेश्चन, आपको बस ये क्लियर रखना है तीन क्वेश्चन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये ध्यान से रखिए और इसे समझिए और क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ग्राफ के 2-3 पॉइंट्स मैं अभी बता दूंगा आपको क्लियर रहेगा। ओके सो ये क्वेश्चन देखते हैं, अबॉय राइडिंग अ साइकिल अप्लाई ब्रेक्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज 2.25 मीटर पर सेकेंड, ओके दैट्स आउट, चलो ये साइकिल बना लेते हैं, तो ओके सो दैट्स आवर बॉय एंड दैट्स द साइकिल, ये बंदा चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, u इज गिवन एज 25 मीटर पर सेकेंड, अ बॉय राइडिंग अ साइकिल अप्लाई ब्रेक्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइकिल 25 मीटर पर सेकेंड, साइकल फ्लिप्स एंड कम्स टू हॉल्ट इन 5 सेकेंड, तो सिंपल फ्लिप का मतलब क्या, जैसे कभी कभी आप बाइक आप वाली साइकिल चला रहे हैं आपने ब्रेक लगाया कुछ दूरी साइकिल तब भी तो चलती आगे ना, थोड़ी आप ब्रेक लगा तुरंत रुक जाता है, नहीं थोड़ी थोड़ा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करते हैं तो उस लेकिन कभी कभी क्या होता है आप स्लिप कर जाते हैं तो लेकिन तब भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दोनों केस होते हैं, तो इस केस में क्या स्लिप हो गया है तभी कोई दूरी साइकिल तो चलेगी चलेगी, तो स्लिप होने पे माली साइकिल यहाँ तक पहुँची। ठीक है मान लेते साइकिल हालांकि हो सकता है ये गिर जाए बंदा बट ठीक है हमें ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है, तो ये बाइक मतलब सॉरी ये साइकिल
साइकिल स्लिप्स एंड कम्स टू 45 सेकंड, मतलब ये यहाँ पे आके रुक गई, मतलब इसकी फाइनल स्पीड जो हो गई वो हो गई जीरो। और ये कितना टाइम में हुआ है, ये हुआ है हमारा 5 सेकंड में। अब एडिशन बताना है। ओके, ये तो ठीक है, सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ए निकाल लेते हैं पहले, एक्सीलरेशन कितना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अच्छा यहाँ पे आपको क्लियर, अच्छा स्लिप का अगर नहीं लिखा होता, स्केट लिखा होता और भी वर्ड्स होते हैं, मतलब सिंपल आपकी साइकिल आके रुकी है, आपको इससे मतलब है। यहाँ पे आपका जो एक्सीलरेशन होगा निगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, डीएक्सीलरेट हुई आपकी साइकिल, आपने ब्रेक लगाया है। ओके, सो ए इज इक्वल टू वी कितना है जीरो, यू कितना है 25, टाइम कितना लगा है 5। अच्छा एक बार यूनिट चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, ओके क्लियर। सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अच्छा अगर इसमें डीएक्सेल पूछता, डीएक्सेलरेशन आप बताते हैं +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा है तो आप बताएंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें निकालना है, चलिए इस बार मैं सेकेंड में क्वेश्चन लगाता हूँ, कोई भी लगाइए आंसर आपका सेम ही आएगा। इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना है, यू है 25, टी है 5 प्लस हाफ, ए कितना है -5, टी का स्क्वायर, टी कितना है 5, इसका स्क्वायर करें 25 आएगा। ठीक है, जब मैंने डेट पहले पुट की है 25 इंटू 5 125 25 इंटू 5, तो ये आएगा -125/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125/2, तो ये हो गया 62.5 मीटर। इतनी दूरी चलेगी साइकिल आपकी, रुकने से पहले यहाँ पे ब्रेक लगा था, मतलब ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी आपकी 62.5 मीटर। चलिए अच्छा इसी में मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार थर्ड क्वेश्चन नंबर मोशन से। वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो वी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, वी कितना है 0, यू स्क्वायर इज गिवन एज यू 25, इसका स्क्वायर 625 प्लस 2, ए इज गिवन एज ए -5 एंड वी नीड टू फाइंड आउट एस। ओके, तो आप सब देख पा रहे हैं ये होगा 10s इज इक्वल टू 625 है, ये जो डिवाइड करेगा तो यह आ गया 62.5, तो ये आ गया आपका 62.5 मीटर यहाँ से भी। ओके, आप इसे एक बार ट्राई करिएगा। सो या तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर डैट वी विल बी डन। A cycle moving at 22.4 meter per second skids to come to a halt in 2.55 seconds. of the bike. अच्छा एक पॉइंटर में बता देता हूँ, क्वेश्चन को आपको मतलब टिपिकल करना होगा। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, इनिशियल यू कीजिए कुछ और ले लीजिए, किसी क्वेश्चन में कुछ और कर दीजिए, तो आप कुछ और मतलब आपके जो आंसर बदल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन को टिपिकल बनाना है तो इसके दो तरीके होते हैं, पहला यूनिट जो कि नॉर्मली स्टूडेंट इस मतलब ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं और आंसर गलत निकाल लेते हैं। अब आप मीटर पर सेकंड को आवर से डिवाइड करेंगे या फिर आवर पुट करेंगे तो टाइम में, तो आपका आंसर गलत आएगा ही आएगा। तो एक ही गलती होती है स्टूडेंट से, दूसरी गलती दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी मिलती है कि आपका आंसर अच्छा नहीं आता, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन लंबा पड़ जाता है। ओके, तो आप समझ के चलिए, आप क्वेश्चन मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही है जो कि तुरंत सॉल्व हो सके, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, रफ पेज मतलब एक रफ कॉलम बना लीजिए, वहाँ पर अपने कैलकुलेशन कीजिए और फिर उसको वैल्यू पुट करिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, साइकिल मूविंग एट 22.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यू दिया हुआ है 22.4 मीटर पर सेकंड, स्किड्स टू कम टू हॉल्ट इन 2.5, मतलब टाइम अच्छा कम टू हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुक गया, मतलब वी कितना हो जाएगा 0, और टाइम दिया हुआ है 2.55 सेकंड, फिर से निकालना है तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, ए निकाल लेते हैं पहले, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी कितना है 0, माइनस यू कितना है 22.4 बाई टी 2.55, तो यहाँ से ए आ गया। अब देखिए ये अच्छी -2 22.4 / 2.55, अब ये कोई अच्छी वैल्यू नहीं है जो आपको देखने पे अच्छा लगे ऑब्वियसली, ठीक है, हालांकि यूनिट ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अच्छा इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा मत कीजिए, क्यों, क्योंकि आपको आंसर में ये नहीं निकालना, आपको डिस्टेंस निकालनी, फिर इसे पुट करेंगे हम, तो बार बार सॉल्व करते, अच्छा एक बार में सॉल्व करिए, ठीक है। तो
तो यहाँ सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आप सेकंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, पर थर्ड लगाइए, थोड़ा इजी होगा। मैं थर्ड लगा रहा हूँ। वी कितना है, जीरो। देखिए एक वैल्यू जीरो है इसलिए थोड़ा इजी लगेगा आपको। यू दिया 22.4, इसका स्क्वायर करेंगे मीटर पर सेकंड, प्लस टू, ए कितना दिया इतना, तो देखिए ये होगा माइनस 22.4 अपॉन 2.55। एंड डिस्टेंस ये तो निकालना है एस, ये माइनस में है तो ये पूरा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 2 इंटू 22.4 अपॉन 2.55 इज इक्वल टू 22.4 का स्क्वायर। ये और ये कटेगा क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लिकेशन में तो ये कैंसिल होगा। अच्छा यहाँ पे एस, तो एस आ गया आपका, ये इधर जाएगा, तो 22.4 इंटू 2.55 अपॉन 2, ये 2 इधर डिवाइड होगा, सो 211.2। तो यहाँ से S आ गया, अच्छी मीटर में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आएगा आपका आंसर 11.2 इंटू 2.55 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ओके मैं ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। सो ये हो गया न्यूमेरिकल आपके। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ग्राफ से जुड़ी, ओके ग्राफ से जुड़ी कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर सेशन को एंड करते हैं, वीडियो बहुत कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ओके देखिए सिंपल सा, मैं अगर बेसिक पॉइंट्स बताऊँ ग्राफ से जुड़े, तो आपने ऐसा नहीं ग्राफ पहले नहीं पढ़ा होगा, आपने ग्राफ पढ़ा होगा, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। आप क्या करते थे, आप एक दो लाइन ड्रॉ करते थे, इस ए को कहते थे वाई, ए को कहते थे एक्स। यहाँ पे भी लगभग कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए ये हो गया मान लीजिए हमारा वाई, दिस इज एक्स। जो मैथ आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो थोड़ा सा ये लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ओके ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखते थे आप x डैश और यहाँ लिखते थे y डैश। क्योंकि अगर मैथ जब ड्रॉ करते थे तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है चारों क्वाड्रेंट, और आपको चारों में जरूरत पड़ती थी प्लॉट करने की, तो आप सब जगह मार्क कर देते। लेकिन फिजिक्स में आपको मेनली जो जरूरत पड़ेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगी, यहाँ की पड़ेगी, मतलब दोनों पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बाकी की जरूरत कम, इसलिए तो थोड़ा छोटा बनाया गया है, यही एक मेन रीज़न है। अच्छा इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, छोटी छोटी पॉइंट बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस। अच्छा यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, या माइनस वन में यहाँ पे -1, 2, 3, 4। आपने जो बहुत सारे आपने ग्राफ देखे होंगे, मैं दो तीन बनाता हूँ। देखिए एक जो आपको देखना है उसे कहते हैं फ्लैट कर्व, वो कुछ ऐसा होगा आपका, सिंपल सा एक ऐसे होगा, ये पहला, इसे कहते हैं फ्लैट लाइन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है लेकिन, और ये पैरेलल है एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल है ना। अच्छा इसमें जो दूसरा आपको देखना होगा वो कुछ आपका ऐसा हो सकता है, इसे ऐसे, ठीक है ये हो गया आपका सेकेंड। सो ये कुछ आपको देखने मिल सकते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई और ये हो गई फ्लैट लाइन। इसके अलावा आपको ग्राफ और भी तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप स्लोप निकालते थे, स्लोप आप निकालते थे, आप फॉर्मूला लगाते थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या करते थे, दो पॉइंट लेते थे अपने ग्राफ पर, मैं माफ करता हूँ, जैसे देखिए इस पर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ और एक यहाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ को क्या लिखते थे एक्स वन कॉमा वाई वन, और यहाँ को लिखते थे एक्स टू कॉमा वाई टू, और इन दोनों पॉइंट से फिर आपको स्लोप निकालते थे। उसी तरह इस ब्राउन वाले लाइन में एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इसका फॉर्मूला जो आता था ये होता था वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। हाँ आप इसे y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप y1 माइनस y2 करेंगे तो नीचे x1 माइनस x2 करेंगे, मतलब ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे भी आपका स्लोप आएगा। तो
ये फॉर्मूला हुआ आपका स्लोप का। एक और फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, एरिया का फॉर्मूला आपके दो तरह, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो ऐसे आपका एक, मान लीजिए जैसे मैं बताऊँ पेंसिल का यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो आपको ये विजिबल होगा बहुत ज़्यादा या नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे मतलब जैसे ये देख लीजिए और ये और यहाँ देखिए, तो आपको ये एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है, ये एरिया। तो ये एरिया जब निकालेंगे तो आपका जो मतलब ये आपको फिगर दिख रहा है ये है आपका रेक्टेंगल, और यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ये है ट्रेपेजियम। तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा तो ये तो बात हुई ग्राफ से जुड़ी, हमें क्या यूज़ करना है ग्राफ का। हमें जो यूज़ करना है बेसिकली हम तीन तरह के ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पर। जो तीन तरह के ग्राफ आप पढ़ेंगे वो होगा पोजीशन टाइम, मैं ड्रॉ करता हूँ जस्ट वेट अ मिनट। फर्स्ट वन सेकेंड वन थर्ड वन ओके। तो यहां पर आप जो ग्राफ पढ़ेंगे वो कुछ आपका इस तरह होगा। सी और वर्टिकल एक्सिस पर आप बहुत सारे वैल्यूज रखेंगे, लेकिन जनरली आप जो हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे उसे वो होगा टाइम, मतलब ये होगा आपका टाइम एक्सिस। और यहाँ पर आपको यूनिट दी है, नॉर्मल सेकंड दी हुई, मिनट होगा या आवर भी हो सकता है। पहला ग्राफ आप पढ़ेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन वर्सेस टाइम। सेकंड वन विल बी वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड थर्ड वन विल बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ओके अब मैं कुछ आपको फिक्स पॉइंट बताता हूँ, ये आप याद रखिएगा। पॉइंट्स आर इस केस में ओके सो यहाँ पर मतलब हर एक ग्राफ में आप दो पॉइंट निकाल सकते हैं, एक एरिया और एक स्लोप। तो देखिए यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया एंड स्लोप। तो बेसिकली देखिए तो यहां पर जब यहां पर निकालेंगे स्लोप और यहां क्या निकाल सकते हैं एरिया, यहां भी निकाल सकते हैं स्लोप, यहां भी निकाल सकते हैं एरिया, और यहां भी आप निकाल सकते हैं स्लोप, और यहां भी निकाल सकते हैं एरिया। बट द पॉइंट इज ये निकालने से आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप यहां पे स्लोप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था स्लोप का, अगर आप यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ मैं लिखूँगा स्लोप का फॉर्मूला ये होगा डेल्टा इन पोजीशन, डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, और ये होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है आप ऐसे भी आपको यूनिट से अंदाजा लगा सकते हैं, ये मीटर में होगा ये सेकंड मीटर पर सेकंड आएगा, तो ये वेलोसिटी होगा। मतलब पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का जो ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। यहाँ पे जो एरिया निकालते हैं एरिया भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं देता जिसकी हमें ज़रूरत हो, इसलिए इसकी कभी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे स्लोप होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। ओके यहाँ पे जो एरिया होगा ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, डायमेंशन से होता है। अच्छा डायमेंशन देखें मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो मतलब ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो होता है एक्सेलरेशन। ये जो एरिया आता है यहाँ पर ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके अच्छा ये वेलोसिटी से टाइम का ग्राफ था तो ये आया हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर ये स्पीड से टाइम का ग्राफ होता तो हमारा था डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और अगर यहाँ पे स्पीड होता तो ये आता डिस्टेंस।
ओके हालांकि अगर हम ये ज्यूम कर लें कि बॉडी स्ट्रेट लाइन चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन तभी बराबर होंगे जब स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर स्लोप निकालते हैं तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं देता है। अगर आप यूनिट से भी देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम मतलब अपॉन सेकंड, तो ये होगा मीटर पर सेकंड क्यूब, जो कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आपके लिए नहीं होती, इसलिए इसकी भी कभी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे एरिया निकालते हैं, एरिया हमारा देता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली यहाँ पे जो आता है ये था चेंज इन पोजीशन, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसे मैं कहूँगा और यू कैन से चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी। सो ये हो गया आपके पॉइंट्स ग्राफ से जुड़े, इससे जुड़े आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ओके इस लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ है, आप इसको थोड़ा पार्ट वाइज देखिएगा एंड आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से कोशिश कीजिएगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ओके डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।